हेलो फ्रेंड्स, ये है रात जो है रात में हम लोग खाए थे काफ़ी शाम से। तो देखिए अभी हम ये सबको धो रहे हैं जल्दी सिस्टर। हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग तो ठीक हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है। मॉर्निंग में हम सुबह उठ करके हम फ्रेश हो करके हम अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लंचन बज रहा है, छः बज रहा है, तो 6 बजे हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम अभी कुछ कर मतलब काम करने जा रहे हैं। हम सोचे कि सबसे पहले हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में बाकी का हम सारा काम कर लेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अभी जाते हैं, चूल्हा जोड़ेंगे, उसके बाद हेलो फ्रेंड, देखिए यहाँ का मौसम देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग मॉर्निंग मौसम ख़राब है, लग रहा है कि पानी गिर जाए, पानी पड़ने जैसा मौसम बनाया हुआ है। तो देखिए ये हमारा केला है, लेकिन इतना हवा चला था लेकिन हम लोग केला नहीं गिरा, देख सकते हैं। ये है खाली, ये वाला गिर गया था, देखिए ये है, ये वाला गिर गया था। और देखिए इधर में इतना सारा केला है, इतना हवा चला था लेकिन फिर भी नहीं गिरा। तो और आज का मौसम तो देख सकते हैं ये है, मौसम ख़राब है, लग रहा है कि पानी गिर जाएगा। तो देखिए पानी पड़ेगा या नहीं, कल पर कल पानी पड़ा था थोड़ा थोड़ा, तो आज मौसम ख़राब है। आज सुबह सुबह भी ठंडा लग रहा है, हवा भी चल रहा है,
तो देख सकते हैं अभी तक धूप नहीं निकला है। अभी बज गया 7:07 बज गया है, लेकिन अभी तक कोई धूप नहीं निकला है। अभी मौसम ख़राब है लगता है। अब यहाँ धनबाद में पानी पड़ने वाली है, तो आप लोग यहाँ कैसा मौसम है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ पर कल में हम कपड़ा वपड़ा धो के रख धोए हैं, अभी तक नहीं सूखा है। देख सकते हैं ये रात में रात भर का बाहर ही, तो हम अंदर नहीं किए थे। अभी और 8 बजे तक रहने देंगे, उसके बाद में सबको भी अंदर करेंगे, फिर उस सबको भी हम अरेंज करेंगे। तो देखिए ये हमारा केला हरा भरा कितना लग रहा है। कल परसों पानी पड़ा था, तो उसमें पानी पानी पड़ा था, और अभी देखिए कितना मौसम हरा भरा लग रहा है केला। तो चलिए हम बाकी सारा काम करने के लिए अभी हम जाते हैं। चूल्हा जोड़ दिए हैं, देख सकते हैं अभी तक चूल्हा नहीं है। हाँ आने वाली है चूल्हा, तो अभी जाते हैं खाना बनाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, देखिए रात में आनंद दूध नहीं पिया था, देख सकते हैं ये है रात का बच गया है। मतलब डेली हम बचा देते हैं, लेकिन आज थोड़ा तो ज़्यादा है क्योंकि रात में हमने नहीं किया था। अभी ख़राब ना हो, अभी थोड़ा मौसम तो, लेकिन अभी गर्मी नहीं है, ठंडा हल्का ठंडा सिरावन ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम अभी गर्म कर देते हैं ताकि ख़राब ना हो। रात का ही ये दूध है, आनंद लीजिएगा तो पिएगा। अभी हम इसको गर्म कर लेंगे, सबसे पहले हम ये दूध भी गर्म। देखिए हम चावल लेकर के आए हैं, इसमें छोटा छोटा पत्थर है, इस सबको हम चुन लेते हैं। और इसमें एक मतलब ये काला काला चावल भी है, इस सबको भी हम चुन लेंगे। तो इसमें धूरी भी मिला हुआ है। तो हम जब भी खाना बनाते हैं, जब भी हमको डेली मतलब चुन के बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें पत्थर सब मिला हुआ है। हेलो फ्रेंड, देखिए अभी हम सब्जी बनाएंगे, बैंगन और आलू की सब्जी बनाएंगे। काट लेते हैं, देखिए ये बैंगन, इसमें हम आलू ले लिए हैं। इसको हम पतला पतला काटेंगे और इसका हम सब्जी बनाएंगे। आलू बैंगन की सब्जी और भात हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चावल धोक दिए हैं, फ्रेश कर दिए हैं, तो इधर मादन हम चढ़ा दिए हैं, इसमें हम चावल डाल देंगे। हाँ खाना बन जाएगा जल्दी से। जीरा लहसुन प्याज नहीं लहसुन और गरम मसाला, ये सबको एक ही में मिक्स करके मिक्स करें। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बहुत दिन के बाद में आ रहे हैं। ये है लच्छा और दूध, इसको हम खुला दिए हैं। अभी मॉर्निंग में नाश्ता नहीं बना है, खाना नहीं बना है, तो हम खा रहे हैं दूध और लच्छा से हम नाश्ता कर रहे हैं। बहुत सवेरे भूख लग जाता है, तो अभी नहीं बना है, इसलिए हम इसी से नाश्ता कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी खा लेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा भात बन गया है। तो देखिए ये है आलू और बैंगन और टमाटर की सब्जी हम बना रहे हैं, देख सकते हैं हम भून लिए हैं। कल से दिखाओ, देखिए ये है मेरा होने के लिए है, तैयार होने के लिए बाकी है। इसको थोड़ा सा इसमें पानी देंगे, आलू को थोड़ा देर के लिए हम रख के रख देंगे, उसके बाद मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा, उसके बाद में हम खाएंगे। तो देखिए कैसा लग रहा है, भून के अभी रेडी हो गया है देखिए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, उसके बाद में हम इसको ढक के पका रख देंगे थोड़ा देर के लिए, उसके बाद पक जाएगा, उसके बाद हम काट देंगे। तो आप लोग भी आ जाइए एकदम मेरे के यहाँ खाने के लिए। मेरा भात बन गया है, सब्जी भात। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए।